फैमिली सुनो सुनो, कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। हमें एक ऑफर आया है आरटी फूड्स से पूरी प्रॉपर्टी के लिए। ये जमीन, ऑलिव ट्रीज, अपने मिल, पैकेजिंग सेंटर, सब कुछ। तुम सब आपस में बात कर लो, ठीक है? हमने 300 साल पुराने ऑलिव ट्री के नीचे मॉम की अस्थियां बिखेरी। ओ पापा, फिर से चिल्लाने मत लग जाना आप। मुझे तुम सब में तुम्हारी माँ और मेरी अच्छाई बुराई दिखती है। आपका वही लहजा हम सबको हमेशा दबाने वाला। घर को छोड़कर बाकी सब नहीं बेच सकते? हम सब कुछ रख सकते हैं और मैं ऐसे ही बिजनेस देखता रहूँगा, पर सिर्फ घर रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आप इस घर में पैदा हुए, हम इस घर में बड़े हुए, यहाँ मेरी डैड से शादी हुई और हमारे दोनों बच्चे भी यहीं कंसीव हुए। जी मामा। एक मिनट, बच्चे कैसे कंसीव होते हैं? मेरी पूरी दुनिया औरतों के आसपास घूमती है और पेनी के। मेरे डैड ना ऑडिटरी का बादशाह है। डैड ने कुछ बताया कब से वो इसकी देखभाल नहीं कर पाएंगे? मैं ख्याल रखूंगी। तुमने हमसे क्यों नहीं पूछा? तुम उसका ख्याल रखोगी? पर मैं ऐसा नहीं चाहूंगी, मैं बहुत मतलबी हूँ। तो वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या बस टाइम पास? दोनों में फर्क क्या है? बताओ ना इसका पिता कौन है। जूली बस भूत है इसका पिता। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? हद है यार, क्या कर रही हो? वही कर रही हूँ जो करना चाहती हूँ। किस बात की ज्यादा टेंशन है? कि जिंदगी उन पर रहम दिखाए। तुम्हारी दुनिया बहुत सुंदर है। कभी कभी ये भी लगता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। बेटा प्लीज रुको, मत जाओ। मैं अब थक चुकी हूँ। मैं भी खुद से थक चुका हूँ। मेरी बहनें मुझे पागल कर देती हैं। उनकी याद आती है, उनसे प्यार भी है, पर कुछ वक्त उनके साथ बिताकर। ऐसा कौन है जो इस परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता है?